मुर्दाबाद 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 योगी सरकार मुर्दाबाद 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जैसे अलीगढ़ में नाबालिग बच्ची के साथ जो है रेप की घटना होती है और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, क्या लगता है कि सूबे में जो है अभी कानून बरकरार है या कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है? कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। अबोध बच्चियों के साथ इस तरह से बलात्कार किया जा रहा, उनका निर्मम हत्या किया जा रही, सरकार जो है उस पर जो है एकदम सो रही है, कुछ देख नहीं रही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जगह जगह पर ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं। पुलिस ने छापेमारी की है, उनके भाई को, उनके जो है और परिवार के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो नहीं पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी को पकड़ना चाहिए, उसको उचित दंड देना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से प्रदेश में जो है ना मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की जाती है और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, क्या कहना है सूबे की जो सरकार है उनको, जो यहाँ की कानून व्यवस्था है उस पर? जी, उसकी कानून व्यवस्था तो बहुत ही कानून के मामले में बहुत दूर चल रही है और ऐसी निर्मम हत्याएं हो रही हैं मासूम बच्चियों के साथ, समाज और देश के खिलाफ है। एक ऐसी मासूम बच्ची के साथ ऐसा हत्या किया गया, इसके बारे में तो मुझे सोच के भी और समाज के लोगों पर भी सोच के तरस आता है कि ऐसी निर्मम घटनाएं ऐसे मासूम बच्चों के साथ किया जा रहा है। ऐसे अपराधियों को तो सिर्फ मृत्यु दंड देना चाहिए और सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कानून के खिलाफ कि जो ऐसे अपराधी हों उसको समाज में तथा पूरे संसार में जीने का कोई हक न हो और हमेशा हमेशा के लिए ऐसे लोगों को ख़त्म कर दिया जाओ और ऐसे अपराध को हमेशा सदा के लिए मिटा दिया जाए समाज से। इसमें हम देखें, ठीक है, अभी मैं भी देखा इस बात को, इस घटना को, कि महज 2.5 साल की बच्ची थी, उसके साथ बलात्कार की घटना आई और हत्या की भी बात उसके समक्ष है, उसके पश्चात आई। तो केवल आज एक ही बच्ची का मामला नहीं है, ये आज पूरे प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में, तो जो स्थितियाँ व्याप्त हैं, क्योंकि ठीक है उत्तर प्रदेश सरकार विकास की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनके नेता उत्तर प्रदेश में विकास की तो बातें बहुत लंबी लंबी करते हैं, ठीक है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आज अगर देखा जाए तो समाज में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि वह व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मा से, अपने प्राण से सुरक्षित हो, प्लस उसकी इज्जत और मर्यादा सुरक्षित हो। सबसे बड़ी मर्यादा पुत्री की होती है, पुत्री किसी पिता की मर्यादा होती है और आज उत्तर प्रदेश में दोनों चीजें पूरी तरह से शून्य है, गायब है। न तो व्यक्ति का जीवन सुरक्षित है और न ही उसकी मर्यादा सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात, अब इस पर हम क्या कहना चाहें, फांसी की सजा पहले से भी बातें इस पर चल रही थी और इसको अंगीकृत भी किया गया, लेकिन महज केवल हम कोर्ट और अदालतों पर इसको डालें और केवल कहकर चले जाएं कि इस पर सजा हाईकोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट को, संसद को बनाना चाहिए, तो इससे भी बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश में पुलिस की जो प्रणाली है, पुलिस की जो गतिविधि है, ये आत्मीय रूप से और अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्टिंग में FIR लॉज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है और पुलिस के द्वारा ऐसा प्रायः देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, खास करके कि सारी लीपापोती पूरे एविडेंस को मिटा करके और सारी चार्जशीट में ही विवेचना के दौरान ही उस केस को शून्य कर दिया जाता है। तो जब शून्य होकर के केस डायरी बगैर जो है किसी उसके पहुंची अदालत में, तो अदालत कैसे निर्णय कैसे कर पाएगी निर्णय। तो आवश्यकता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश को सोचना चाहिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम अपनी पुलिस की कार्यप्रणाली में और उनकी ईमानदारी के प्रति अपनी ड्यूटी का निर्माण करें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त, अब अगर उनके लिए मैं सजा की बात करूं तो फांसी से कम किसी सजा की बात की जाए तो कोई सजा समझ में नहीं आती, न ही आवश्यक है। तो मेरा जहां तक विचार है कि उत्तर प्रदेश सरकार को पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर पहले अपना दिमाग और अपनी सरकार की रणनीति तय करना चाहिए, इसके बाद विकास की बात करनी चाहिए।